उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन की वजह से पॉपुलैरिटी में रहती हैं। रिसेंटली एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे अश्लील वीडियो की मांग कर रहा है। सोर्सेज की माने तो ये ब्लैकमेलर पंजाबी इंडस्ट्री में काम करता है। बता दें कि एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक शख्स के साथ अपनी बातचीत के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और उनसे उनके अश्लील वीडियो की भी मांग कर रहा है। एक्ट्रेस ने इस दौरान उस इंसान की पिक्चर भी शेयर की है जो बेसिकली उनसे वीडियो कॉल करके कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहा है। उर्फी ने पोस्ट करके कहा, यह आदमी मुझे काफी लंबे टाइम से परेशान कर रहा है। करीब 2 साल पहले किसी ने मेरी फोटो के साथ छेड़छाड़ की और उसे यहाँ वहाँ भेजना शुरू कर दिया। मैंने 2 साल पहले ही पुलिस में इसकी कंप्लेन की थी और मैं उस समय टफ टाइम से गुजर रही थी। मैंने 2 साल पहले की एक पोस्ट भी अपलोड की थी जो अभी भी मेरी प्रोफाइल में है। उर्फी आगे लिखती है, यह आदमी उस पिक्चर के जरिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और अश्लील वीडियो चैट करने के लिए कह रहा था। वह कह रहा था कि ऐसा ना करने पर वो मेरी पिक्चर को अलग अलग बॉलीवुड के पेजेस में भेज देगा और मेरा करियर बर्बाद कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, वो मेरा फायदा उठाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इसकी वजह से निराश नहीं हूँ। मैंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई है। 14 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। मैंने मुंबई पुलिस के बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी थी, लेकिन इस आदमी के प्रति उनका रवैया अजीब है। उन्हें ये बताने के बाद भी उन्होंने कितनी फीमेल्स के साथ ऐसा किया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पोस्ट करने के तुरंत बाद ही फैंस और सेलिब्स ने उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की मदद की गुहार लगाई गई है। रियलिटी टीवी स्टार राखी सावंत ने भी इस कॉन्टेस्ट में उर्फी की हेल्प करने की बात की है। राखी ने उर्फी को सपोर्ट करते हुए लिखा, ठीक है, आपको किसी भी बात की जरूरत हो पड़ेगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एक फैन ने कमेंट किया, मैंने उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। वहीं दूसरे फैन ने कमेंट करके लिखा, मुंबई पुलिस कृपया ध्यान दें। बॉलीवुड से INS की रिपोर्ट।